Hey guys, welcome back to my another vlog. तो आज एनी गेसेस मैं ब्लॉग किस चीज़ पे शूट कर रही हूँ, आई होप नहीं कर पाऊँगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब पिछली बार ये आया था मम्मी पापा की आज एनिवर्सरी है, मतलब आज नहीं कल है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये ब्लॉग मैं रात को शूट कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ब्लॉगिंग नहीं चालू की थी, बहुत दिनों बाद में चालू की थी। तो कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो उसके लिए अब हम थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हैं। तो रात को थोड़ा केक वेक का हुआ, तो केक तो नहीं लाना हुआ, तो मिनी सा हम घर पे अरेंजमेंट कर रहे थे, तो हमने सोचा बाहर से लेके आते हैं कुछ। तो उसके लिए हम जा रहे हैं, मैं और व्यू बाहर, तो हम बाहर से लेके आते हैं, चलो आप भी। और एक और सरप्राइज़ है, तो बाहर चलने के बाद मैं दिखाऊंगी। अब तो रात हो रही है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि अंधेरा हो चुका है बाहर ज़्यादा। सुबह मैं आपको अच्छे से उससे दिखाऊंगी, ठीक है। तो हम बाहर आ गए व्यू, और मैं बता रही थी हाय व्यू। तो मैंने बताया था सेकेंड बार दूसरी खुशी की बात है कि पापा ने दीदी को गाड़ी ला के दी है, स्कूटी, वाव न्यू वो भी। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, चलो फिर चलते हैं। देरी की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, ओके। तो चलो चलते हैं, अब हम फटाफट से लेके आते हैं सामान। फाइनली हम घर में आ चुके थे, हमने खाना भी खा लिया और मैंने केक डेकोरेट कर लिया, मतलब उसको निकाल निकाल के थोड़ा चॉकलेट वगैरह डाल के। तो और 12 बज चुके हैं, अब हम मम्मा को विश करेंगे और केक कट करेंगे और फिर फटाफट से सोएंगे, क्योंकि सुबह मेरा पेपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको केक दिखाती हूँ। मैंने मिनी केक बनाया घर पर, थोड़ा कोशिश करके, आई होप अच्छा लगेगा। चलो डन, मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है, चॉकलेट वगैरह को रैपर से निकाल के लगा दिया। अच्छा दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा है, चलो कट करते हैं। और दीदू बहुत एंजॉय कर रही है सब कुछ, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, दीदू कितना खुश हो रही है, हैप्पी एनिवर्सरी, वाओ पापा को स्वीट। कटिंग हो चुकी है, अब मम्मी पापा आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकोबार फेवरेट। मैं आज व्यू लेके आया था क्योंकि हमें चॉकोबार बहुत पसंद है सबको। Tomorrow. So finally हमने केक कटिंग कर ली थी रात को, और फिर हम सब सो गए और सुबह उठ के मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था, मेरा पेपर है, मेरा पेपर चालू था, तो मैं पेपर देने स्कूल गई और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। और मैं घर पे आ चुकी हूँ, मैंने चेंज कर लिया है और मैंने जस्ट अभी अभी आपको दिखाया कि मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं, अभी भी वही पूजा ही चालू है अब, मतलब मम्मी पापा की वो भी एनिवर्सरी, और आज हनुमान जयंती भी है, तो हैप्पी हनुमान जयंती ऑल ऑफ यू। सो मैं और पापा, मतलब पापा मुझे लेके आए थे, तो हम नाश्ता लेके आए, तो पूजा होने के बाद मैं सबको नाश्ता डाल दूंगी और आपको भी दिखाऊंगी, क्योंकि नाश्ता मेरा फेवरेट है, कांदे की कचौरी वो मेरी फेवरेट है। सो यम्मी सी कचौरी रेडी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के वैया, तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। तो फाइनली केक आ चुका है, और ये कौन से फ्लेवर का है और कितना बड़ा है, चलो देखते हैं, इसे फटाफट से ओपन करते हैं। तो डन, मैं रेडी हूँ और मम्मा दीदू भी वो सब रेडी है, तो जस्ट 5 मिनट में हम केक कटिंग करेंगे, मैं आपको मम्मा से मिलाऊंगी। ओके डन, सब रेडी हो चुके हैं और मम्मा के फोटोज चालू हो चुके हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, बता रहे मम्मा कैसी लग रही है। हाय मम्मा, हाय।
गया लेजी भाई, खड़े हो जाओ। अच्छा चाकू लेके आयो और मैं भी लेके आई हूँ। और मम्मी पापा चलो अब केक कटिंग करते हैं। तो फोटोज कंप्लीट हो चुके हैं, पापा भी आ चुके हैं। जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है। जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है। क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए ताल। ओके हैप्पी केक कटिंग वगैरह कर ली थी, होती थोड़ा फैमिली टाइम हो रहा था उस टाइम मैंने कुछ नहीं किया। और अब पापा हमारे लिए सबके लिए स्वीट्स लाए, तो चलो मैं आपको दिखा दी स्वीट्स के। गाइज ये मेरी बहन की न्यू स्कूटी है। फाइनली गाइज ये व्लॉग की एंडिंग मैं यही पे कर रही हूँ। आई होप आप सभी को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड।